मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।